के अपने किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं काले चने और सूजी का हलवा। नवरात्रि में जो कन्या पूजन के लिए हम लोग खिलाते हैं, वो ये है, काले चने हैं। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिए हैं और इसको इसी में ही उबाल के रखूंगी मैं ओवरनाइट सोक। आपको अगर जल्दी है तो, अगर आप इनकेस भूल गए हो तो गर गुनगुने पानी में 4 घंटे के लिए आप सोक करके रख सकते हो। और उसके बाद उसमें साफ पानी से धो के प्रेशर कुकर में नमक और मिट्टी सोडा डाल के इसको अच्छे से गलने तक की प्रेशर कुकर में पकाएं। देखिए इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं जो अच्छे से, A few moments later। देखिए ये हमने चने उबाल लिए और देखिए इसको ऐसे फोड़ के देखेंगे अच्छे से ये गल चुके हैं। अब लोग इसको हल्का सा सौते करेंगे जैसे हलवाई करते हैं। ये हमने एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और हल्का सा जीरा उसमें डालेंगे गर्म होने पर। अब वो फूटेगा, देखिए जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है। हम लोग इसमें अब चने डाल देंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, हल्का सा सॉल्ट और ये कसूरी मेथी हल्के हाथों से क्रश कर ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय फ्लेम को लो रखें, नहीं तो मसाला जल जाता है जल्दी। देखिए ये हमारा अच्छे से ये कोटिंग हो गया है, मसाला पूरा अच्छे से कोटिंग हो गया है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अच्छे से नेक्स्ट उसमें पैन में हलवे के लिए रेसिपी दिखाते हैं। अब हम हलवा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है और इसको हल्का अभी पूरा अच्छे से हीट नहीं किया है और ज़्यादा हीट न करते हुए 1 कप हम डाल रहे हैं यहाँ पर सूजी। हल्की सी यहाँ पर मैं और ऐड करूँगी, 1.5 कप यहाँ पर सूजी ले रही हूँ और फ्लेम हमारी बिल्कुल लो ही है। देखिए हल्की धीमी आंच पे ही मुझे चलाते रहना है, मतलब हल्का सा पिंक हो जाए फिर हम लोग इसमें ऑयल ऐड करते रहेंगे धीमे धीमे। देखिए हम लो फ्लेम पर ही बिल्कुल भून रहे हैं इसको। जब हल्की सी पिंकिश हो जाए तो हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे ऑयल। अब इसका रेशियो ये है, हमने यहाँ पर 1.5 कप सूजी ली है तो 1.5 कप मैं यहाँ पर चीनी लूँगी और हमने 5 कप पानी लिया है और यहाँ पर हमने साथ ही साथ ले लिया। देखिए भंडारे में हमारे यहाँ अधिकतर जब भी हम लोग देखते हैं हलवाई बनाते हैं तो इसमें ये कोकोनट ग्रेट किया हुआ जरूर रहता है और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया किशमिश, इलायची के दाने एंड ड्राई फ्रूट। यहाँ पर हमने बादाम भी ले लिया, आप इसमें कैश्यू नट और पिस्ते भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से देखिए, इसको चलाते रहेंगे वरना नीचे से लाल होने का डर रहता है, मुझे गोल्डन ब्राउन करना है तो ये इक्वली गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर हम इसमें ऑयल पहले ही डाल देंगे तो हमारी सूजी फूल जाती है और देखिए हमने हल्के से यहाँ पर पहले ही सूखा ही रोस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए दाना हमारा बिल्कुल खिल के आ रहा है, जैसे वहाँ हलवाइयों की प्रसाद भंडारे में जो मिलता है तो वो दानेदार रहता है रेड कलर का। और हम लोग ऐसे ही कर देंगे तो हमारा ये चिपक जाएगा। अब देखिए हमारी धीमे धीमे से पिंकिश होने लगी है। अब इसमें हम लोग धीमे धीमे करके ऑयल ऐड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि बाद में भी वो छोड़ने लगता ऑयल, बाद में वो पूरा ही छोड़ देता है। बस अच्छे से ये ऑयल की कोटिंग हो जाए इसमें,
उतना ही मुझे करना है और पूरा गोल्डन होने तक की भुनना है। इतना भी मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन तक की भुनना है। देखिए बस ये मुझे एक टेबल स्पून करीबन मुझे केवल ऑयल लगा है, वो आपके चॉइस पर निर्भर है कि आप ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो पूजा के लिए बना रहे हो। तो हम यहाँ पर शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल के बाद मुझे हल्का सा हाई एंड लो एंड मीडियम फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए हमारा पिंकिश ब्राउन बिल्कुल हो गया है। अब बस 2 सेकंड में ही बिल्कुल हमारा जितना मुझे गुलाबी चाहिए उतना ये हो जाएगा। देखिए हमारा अच्छा से हल्के से पिंकिश ब्राउन हो गया है, जो हमारा भंडारे में प्रसाद मिलता है चने और हलवा। देखिए बस मुझे इतना ही रखना है। अब इसमें हम लोग 5 कटोरी, जैसे हमने 1.5 कटोरी सूजी ली है तो हम यहाँ पर 5 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं। जैसे मेरा 1 कटोरी है तो 3 कटोरी आप इसमें पानी ले लोगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई। यहाँ पर 1.5 कप ले रहे हैं हम यहाँ पर चीनी, जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से हम यहाँ पर चीनी लिए हैं। देखिए लो फ्लेम पर ही ये हमारा अच्छे से बन रहा है और कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कोकोनट क्रिएट किए हुए लच्छे जो मिलते हैं बिल्कुल इसमें प्रसाद में हमारे, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अंगूर लिए हैं और बादाम और ये हमारी इलायची, इसमें सारा ऐड कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। हमारा भंडारे वाला प्रसाद बिल्कुल रेडी है, दानेदार बिल्कुल। देखिए सुंदर इतना कलर आया है हमारा, हमारा माता रानी का प्रसाद बिल्कुल रेडी है, हलवा और चने। अब हमने इसको हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, इसको इतना ही गीला रखेंगे क्योंकि रखने पर और भी ये सूखता जाएगा। और फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और इसको लगाते हैं दोनों में। चलिए ये हमारा अब बिल्कुल, ये दोनों हमारा प्रसाद बिल्कुल रेडी है। अब लगाते हैं भोग के लिए। गरम गरम हमारा हलवा एंड चना बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए और भोग लगाइए माता रानी को। अगर इस रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।